पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है और इसकी योजना पर चर्चा के लिए पार्टी की एक बैठक का नेतृत्व भी किया, जो कि शुक्रवार को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद रविवार शाम उनके घर पर आयोजित की गई। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि इस मीटिंग में राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक, अन्य राज्यसभा सांसद, दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय और राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता सहित वरिष्ठ आप नेता जैसे कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी गोपाल राय आदि मौजूद थे। गौरतलब है कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सिसोदिया काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, जब से मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने बाद जमानत मिली है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता बहुत ही उत्साहित और खुश हैं। लोग हमें सड़क पर रोक रोक कर बधाइयां दे रहे हैं। मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अभी भी सलाखों के पीछे हैं। उनके करीबी नेता मनीष सिसोदिया आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं, जो कि जनवरी की शुरुआत में होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि आप नेताओं को लगता है कि सिसोदिया की उपस्थिति से उसके चुनाव अभियान को रफ्तार मिलेगी, खासकर दिल्ली में जहां वो लगातार तीसरे कार्यकाल की उम्मीदें लिए हुए हैं। आपको बताते चलें कि 2015 में 67 सीटों के साथ दिल्ली में आपने सरकार बनाई थी और साल 2020 में 62 सीटें जीती थी। गौरतलब है कि पिछले साल 28 फरवरी को अपने इस्तीफे से पहले केजरीवाल के डिप्टी होने के अलावा सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त, उत्पाद शुल्क, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी सहित 18 विभागों का प्रभार था। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया आज यानी कि सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ एक बैठक करेंगे। वहीं मंगलवार को वो दिल्ली के सभी आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ मीटिंग करेंगे। इन दोनों बैठकों में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया है कि मनीष सिसोदिया 14 अगस्त से पूरी दिल्ली में पद यात्रा करेंगे। इस पद यात्रा का मकसद होगा दिल्ली की जनता से मिलना और भारतीय जनता पार्टी की साजिश को उजागर करना। जिस तरह से एक झूठे केस में बीजेपी ने हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को बंद किया है, हम इसकी सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे। आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने राहत दे दी है, इसे भी जनता तक पहुंचाया जाएगा। उनके बाहर आने से पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है।